जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। चिराग पासवान और जीताराम मांझी हुए आपने सामने, आपको हम बता दें कि जिस आरक्षण का समर्थन जीताराम मांझी कर रहे हैं उसी आरक्षण का जो विरोध है वो चिराग पासवान कर रहे हैं। जीताराम मांझी को साफ तौर पर कहना है कि जो लोग आर्थिक तौर पर आगे बढ़ चुके हैं उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, जो लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं उनको आगे जो लाने की बात कही जा रही है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। तो सुनिए जीताराम मांझी किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं। स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं, ये कहाँ बात है। भुइयां मूसा डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, के गो आई एस के गो आई पी एस अफसर हैं, के गो इंजीनियर चीफ हैं, के गो चीफ इंजीनियर हैं, और जो जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं चार जातियाँ उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का वही लेते रहे हैं, 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। धन्यवाद सर। नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आरक्षण आरक्षण की बात हुई, चिराग पासवान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चिरासी एसटी में वर्गीकरण हो रहा है क्रिमिनल को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां मुसहर डोम मेहतर नट ये सब का साक्षरता दर 15% नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है 8% है उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो तो अपने सुना जी जीताराम मांझी किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं, जिस प्रकार से जो लोग आगे बढ़ चुके हैं आर्थिक तौर पर उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है और जो लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण जो देने की बात कही जा रही है ये बहुत ही अच्छी बात है और सराहनीय बात है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को